अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं क्रूज़ कंट्रोल पर। तो हम आपको बताएंगे कि क्रूज़ कंट्रोल को बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज मैं जिस गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल की बात करूंगा, ये टोयोटा क्रोला आल्टिस ग्रैंडे है और इसका जो क्रूज़ है यहाँ पर स्टिक बेस्ड होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम सिविक का भी करेंगे, उसका क्रूज़ कंट्रोल इस जगह पर आता है। तो हम आपको बताएंगे कि बेसिकली हाउ टू यूज़ द क्रूज़ कंट्रोल। मैं आपको क्रूज़ का मतलब बताता हूँ। क्रूज़ का मतलब होता है क्या है, कभी भी आप लॉन्ग रूट पे अगर हों या आपके सामने कोई गाड़ी वगैरह ना हो तो आप अपनी ईज़ के लिए ये क्रूज़ कंट्रोल दिया जाता है। उसमें यह है कि आप किसी भी स्पीड में आप जा रहे हैं, लेट्स से आप 60 पे जा रहे हैं और आप इससे ज़्यादा स्पीड एक्सीड नहीं करना चाह रहे या रोड की स्पीड ही 60 लिमिट है, तो आप 60 पे क्रूज़ लॉक करेंगे तो गाड़ी 60 से अबव नहीं जाएगी। हाँ, अगर कोई इंक्लाइनेशन या डिक्लाइनेशन है रोड ऊपर या नीचे है तो इट मे गो अबव फॉर अ मोमेंट और टू, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे ही रोड आपका प्लेन होगा तो एक स्पीड पर दोबारा गाड़ी आ जाएगी। तो ये इसका मकसद है। अगर आप जैसे मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो 120 पे आप स्पीड लॉक कर दें, आपको पूरे मोटरवे पे कोई ज़रूरत ही नहीं है स्पीड कम वगैरह करने की, तो इसको आप लॉक कर दें, ऑटोमेटिकली गाड़ी उसी पर जाएगी। हाँ, आपको यहाँ से इसको आप अगर इसको नीचे करेंगे, लॉक करने के बाद आप इसको यूँ करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऊपर करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। और क्योंकि इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर सिंगल टैप ये 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ करती है और उसी तरह डिक्रीज़ करती है। बेसिकली क्रूज़ 2 किस्म के होते हैं, एक अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है और एक कन्वेंशनल क्रूज़ कंट्रोल होता है। तो इस ग्रैंडे के अंदर जो क्रूज़ है वो ट्रेडिशनल क्रूज़ कंट्रोल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसमें अभी तक नहीं आई। तो बेसिकली क्रूज़ 43 से लेके अप टू 100, मतलब किसी भी स्पीड लिमिट पर लगा सकते हैं लोकल कार्स में, बट जैपनीज़ में ये होता है कि 47 पे मिनिमम और मैक्सिमम 110 टू 116 डिपेंडिंग अपॉन द कार्स। डिफरेंट कार्स में डिफरेंट क्रूज़ लगते हैं। बेसिकली ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 है, तो अगर 120 पे क्रूज़ नहीं लगेगा तो इट इज़ यूज़लेस। सो इसी तरह अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है उसका मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, वो बेसिकली होता है क्या है। उसके गाड़ी के आगे एक रडार होता है, इस पोजीशन पे एक रडार होता है, कैमरा होता है। तो जब किसी भी स्पीड पे आप उसको क्रूज़ करते हैं तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है नेक्स्ट कार से। तो आप जब वो क्रूज़ लगाते हैं, जैसे ही सामने ऑब्स्टेकल, हर्डल या कोई भी आगे गाड़ी आती है तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस मेंटेन करती है, और जैसे ही वो साइड पर होती है तो ऑटोमेटिकली उसी स्पीड को रीगेन कर लेती है। और इसमें ये होता है कि आपको मैन्युअली अगर कोई गाड़ी आगे आ जाए तो आपको क्रूज़ से हटा के दोबारा क्रूज़ लगाना पड़ता है। तो बेसिकली ये इसकी क्रूज़ स्टिक है और यहाँ से ये ऑन ऑफ का मैं आपको बटन दिखाता हूँ, यहाँ इसको आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं क्रूज़ मेन। अब मैं आपको किसी भी स्पीड पर जाके इसको सेट करके दिखाता हूँ कि बेसिकली क्रूज़ को कैसे लॉक करते हैं। क्रूज़ से आपकी गाड़ी की एवरेज भी वैसे बहुत बेहतर हो जाती है, काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि गाड़ी मुसलसल एक आरपीएम पर चल रही होती है। और वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सिटी पर इसको बिल्कुल भी ना लगाएं। तो वंस यू लॉक द क्रूज़ कंट्रोल, आप जैसे ही ब्रेक दबाएंगे हल्का सा, मतलब आप ब्रेक पर इशारा ही करेंगे तो ये क्रूज़ ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएगा, फिर दोबारा आपको यहाँ से एंगेज करना पड़ेगा। जो लाइट है उसके नीचे सेट का एक नोटिफिकेशन आ गया, तो इट मीन्स कि क्रूज़ एंगेज हो गया है। अब देखिए आरपीएम भी कांस्टेंट जा रहा है। अब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, स्पीड में यहीं से क्रूज़ से ही इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखें। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो स्पीड देखें ऑलमोस्ट 60 पे आ गई है, इसी तरह इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर आपने इसको डिसंगेज करना है तो आप सिंपली उसको यूँ करेंगे, बैक की तरफ पुश करेंगे, इस तरह क्रूज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। अगेन आपने इसको लगाने हैं तो 43 प्लस आप इसको लेके जाएंगे और नीचे की तरफ करेंगे, ये आपका क्रूज सेट हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी भी वजह से अगर आपका क्रूज डिसंगेज हो गया और आप चाहते हैं कि आपने लास्ट जो आपकी प्रीवियस स्पीड पे आपने क्रूज लगाया था आप उसको लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली यूं करेंगे और जिस भी स्पीड पर लास्ट टाइम आपको क्रूज कंट्रोल लगा था वो वहीं आ जाएगा। अब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही चल रही है। और अगर आप जैसे ही अगर लेट्स से आप 43 पे क्रूज लगा हुआ है तो अगर आप गाड़ी एक्सेलरेट करेंगे तो क्रूज
अब बंद नहीं होगा, क्रूज चलता रहेगा। जैसे अभी देखें गाड़ी इस वक्त 60 समथिंग पे चली गई है और मैंने पैडल से पांव उठाया, ऑटोमेटिकली गाड़ी उसी स्पीड पे वापस आ जाएगी जिस पे मैंने क्रूज लगाया था। ये देखें गाड़ी ने वही स्पीड दोबारा रीगेन कर ली है। और अब अगर आप सिर्फ ब्रेक दबाएंगे तो ये क्रूज सेट का ऑप्शन गया। या इसी तरह अगर आपके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गई है तो अभी मैंने सेट किया है और आपको ये इसको बैक की तरफ पुश करेंगे तो ये चला जाएगा। तो सिविक रिबर्थ 2012 से जो 2016 तक आई है उसमें यहाँ इस पोक पे आता है इसका क्रूज। ये देखें ये क्रूज मेन और यहाँ इसका आरईएस कैंसिल और सेट। अभी मैं दिखाता हूँ कि आप ये क्रूज किस तरह लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने क्रूज लगाया है होंडा सिविक पे तो आप ये देख सकते हैं स्पीड 44 है तो वन टैप के साथ ये 2 या 3 का डिफरेंस पड़ जाएगा। इट डिपेंड्स जैसे आपका रोड का लेवल, अगर रोड इम्बेलेंस है तो ये 1 भी बढ़ सकता है 2 भी बढ़ सकता है। नॉर्मली वैसे ये 3 पॉइंट्स इंक्रीज करता है 46 तक का ये 44 से। सेम उसी तरह अब लास्ट मैंने जहाँ पर क्रूज लगाया था, बाकी कोई ऑब्स्टेकल आई है मैंने गाड़ी रोकी है तो मैंने अब लास्ट जहाँ क्रूज लगाया था मैं आरईएस पे टैप करूँगा तो ये अगेन गाड़ी उसी स्पीड पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्रूज कैंसिल की ऑप्शन भी अगर आप देखें तो आप यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं या ब्रेक के साथ भी। अब सिर्फ आपका जो सा क्रूज मेन वो इस वक्त चल रहा है तो आप एक स्पीड 42-43 से ऊपर जैसे ही जाएंगे दोबारा फिर आप क्रूज यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।